जय हिंद दोस्तों, आज की स्टूडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार दरोगा, या आप कह सकते हैं कि बिहार पुलिस ERSS भर्ती। बिहार गवर्नमेंट के थ्रू जो है यह नई वैकेंसी आई है, जिसे आप डायल 112 के नाम से जानते हैं, या इसी में आप जो डिफरेंट टाइप्स की पोस्ट होती है, क्योंकि इसके अंदर जो भर्ती होने वाली है इसमें दरोगा का भी भर्ती होने वाली है, कांस्टेबल का भी होने वाली है, और इसमें जो ड्राइवर है, तीनों पोस्ट में भर्ती होने वाली है, जो जिसमें कि 2023 में टोटल 67,000 जो वैकेंसी आने वाली थी, जिसमें कि बिहार पुलिस की 21,000 वैकेंसी आ चुकी है। इसके बाद दरोगा की भी वैकेंसी आ चुकी है, 10,000 लगभग दरोगा की वैकेंसी आई है, और जिसमें लास्ट थर्ड राउंड में जो है डायल 112, या आप कह सकते हैं इसमें कि इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम के में जो भर्ती आने वाली है, इसका जो दूसरा चरण है उसमें 19,259 पद में जो वैकेंसी आने वाली है। तो अभी जो वैकेंसी आने वाली है यह 19,259 पोस्ट में आने वाली है, और वो किस नाम से आएंगे, तो डायल 112 के नाम से आने वाली है। तो इस वीडियो में आपको फुल डिटेल्स इसके बारे में बताएंगे। तो गाइस, इसमें अब कहा गया है कि वित्त विभाग और कैबिनेट की स्वीकृति मिल गया है कि डायल 112 पहले चरण में इतना पोस्ट का सृजन किया जा चुका है, मानी कि पहले चरण में इसका भर्ती जो है 7,808 पोस्ट में हो चुकी है, और इसके नेक्स्ट दूसरी चरण की भर्ती होने वाली है। तो इसमें कहा है कि सीधी नियुक्ति भरे जाने वाले 48,000 इतना पोस्ट के लिए पुलिस निरीक्षक एवं समक्ष कक्ष के, यहाँ पे डिफरेंट जो बोले जितने पोस्ट है यह डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट में भर्ती होने वाली है। तो यहाँ 20,000 इसके लिए पोस्ट है निरीक्षक के लिए, और यहाँ 900 इतना पोस्ट जो है सिपाही के लिए है, 10,000 और सिपाही चालक के लिए है, और भी डिफरेंट टाइप्स के पोस्ट यहाँ दिया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ कैटेगरी वाइज पोस्ट दिया गया है, किस कैटेगरी में कितना पोस्ट रहने वाला है। तो यहाँ पुलिस निरीक्षक का पोस्ट जो है 252 रहने वाला है, और पुलिस अफसर यानी दरोगा आप कहिए तो यहाँ 1929 पोस्ट रहने वाला है, और चालक की बात करिए तो यहाँ 694 पोस्ट है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ ASI जो है यह 1223 पोस्ट है, कैटेगरी वाइज पोस्ट दिया गया है, और चालक सिपाही यहाँ पे पोस्ट दिया गया है 235, हवलदार की पोस्ट जो है यह 3,000 लगभग दिया गया है, और सिपाही की पोस्ट जो है 9,992 पोस्ट दिया गया है। क्योंकि ये टारगेट है कि 2026 तक जो है टोटल बिहार में पुलिस की संख्याओं को जो है 2 पॉइंट यानी कि 2.5 लाख प्लस करना है। तो इसके लिए 2021 में जो है प्रति लाख पुलिसकर्मी पर जो है कि इतना औसत था, और इस औसत को बढ़ाने के लिए भर्ती बार बार किया जा रहा है, जिसमें बताया गया था कि 56,000 इतना पोस्ट में भर्ती होना है, वर्तमान में इतना है, और 2026 तक इसको बढ़ाना है। तो इसी के लिए एक के बाद एक वैकेंसी आ रही है, और यह पेपर आपको जितने पहले देखे होंगे जो सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल हुई थी, तो इसी के अनुसार जो वैकेंसी है एक के बाद एक वैकेंसी दी जा रही है। तो नेक्स्ट अगर हम बात कर ले कि इसमें कैटेगरी वाइज आपको हम बता चुके हैं, और नेक्स्ट इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की हम बात कर लेते हैं, इसकी योग्यता क्या रहने वाली है। नेक्स्ट जो इसका क्वालिफिकेशन रहने वाला है, कांस्टेबल और ड्राइवर के लिए 12 पास है, और इंस्पेक्टर वाले जो पोस्ट है इसमें ग्रेजुएशन है, SI वाली पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन है, और ASI वाली पोस्ट जो है इसके लिए 12 है, ये आपका क्वालिफिकेशन हो गया। नेक्स्ट इसमें हम एज लिमिट की अगर बात कर लेते हैं तो इसमें एज लिमिट जो दिया गया है या 18 ईयर्स है, 44 ईयर्स है। इसके साथ साथ और भी कैटेगरी वाइज छूट भी दिया गया, जैसे OBC को 3 साल की छूट दिया गया, SC ST को 5 साल की छूट दी गई है। नेक्स्ट अगर हम इसके में बात कर लेते हैं तो यहाँ आपको बता दिए एज में छूट दिया गया OBC को 3 साल का, और SC ST जो है सिर्फ 5 साल का छूट दिया गया है। नेक्स्ट इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस आपको पता है इसके में रिटन एग्जाम होता है, उसके बाद आपका फिजिकल होता है, तो 2 स्टेज में आपका प्रोसेस होने वाला है, रिटन एग्जाम और उसके बाद फिजिकल। और इसमें मेनली हम अगर सैलरी की बात कर लेते हैं तो यहाँ सैलरी भी दे दिया गया है, इसमें 18,000 से 56,900 रुपये आपका सैलरी रहने वाला है। यह आपका बेसिक पे है, टोटल ग्रोस नहीं है, यहाँ क्लियर बता दिया गया, यह जो आपका बेसिक पे है, इसमें आपका TA DA HRA और सब कुछ मिलने के बाद ये काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो
तो आपका जो प्रोसेस रहने वाला है टोटली ऑनलाइन प्रोसेस रहने वाला है। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इससे जुड़ी कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।